नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पंडित भाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जेके वोस के बारे में, यानी कि 10वीं 11वीं और 12वीं के एग्जाम के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आप लोगों के एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों की डेट शीट्स कब जारी होगी और आप लोग ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेंगे, मॉडल पेपर कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर के हिसाब से ही आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोगों को सिलेबस वगैरह पता होना चाहिए, कौन सा यूनिट्स महंगा है, यानी कि कितने मार्क्स का आने वाला है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छी परसेंटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि अगर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जेके स्टूडेंट पॉइंट देसी वाई 08 के नाम से फॉलो नहीं है तो जरूर फॉलो करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी सेम नाम से है। इस वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि आप लोग आज जेके बोस यानी कि 10वीं 11वीं और 12वीं के ओल्ड पेपर और अपना सिलेबस कैसे खुद अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम डेट शीट्स की बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से जहां पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट आर्टिकल आया था, आर्टिकल के मुताबिक आप लोगों के जे आगामी हफ्ता जो है, जे आने वाला हफ्ता जो है, आप लोगों की प्रॉपर डेट शीट 10वीं 11वीं 12वीं की जारी हो जाएगी। अभी तक जो डेट शीट जो वायरल हो रही थी वो टोटली फेक थी। 10वीं 11वीं और 12वीं के एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से शुरू होने वाले हैं सॉफ्ट जोन वाले बच्चों के, हार्ड जोन वाले बच्चों के अप्रैल महीने में होंगे। फिलहाल आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है जेके बोस, कुछ नहीं लिखना आपको, सिंपली जेके बोस लिखना है। जैसे जेके बोस लिखोगे सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोगों को फर्स्ट वाला जो ब्लू कलर का जेके बोस है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप लोगों को राइट साइड ऊपर देखना है, राइट साइड ये देख सकते हैं, राइट साइड ऊपर वाले ये देख सकते हैं, राइट साइड ये तीन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ है तिरंगे के, ये राइट ऊपर वाली तीन डॉट है इन पे क्लिक कर देना। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक कर देना। स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस, अगर सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पर क्लिक करना है। सिलेबस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको हर क्लास का सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर 10th 11th अगर बात करें हम 12th के सिलेबस को क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सिलेबस आ जाएगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। फिर आप लोगों को दोबारा बैक करना है, आपको चाहिए मॉडल पेपर, तो जैसे आप लोग बैक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डेट शीट वगैरह नहीं आई है अभी, जब डेट शीट आएगी तो डेट शीट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिलहाल आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आपको मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो क्लिक करना है। मॉडल टेस्ट पेपर की बात करें तो यहाँ पर 10वीं क्लास के सारे पेपर, 11th क्लास के पेपर, अगर हम इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ से डाउनलोड करें तो यहाँ पर PDF के फॉर्मेट्स, PDF में आपको ये देख सकते हैं पेपर मिल जाएगा ईजिली। इसका डायरेक्ट लिंक भी हमारे इंस्टाग्राम पर है और टेलीग्राम पर भी है, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड की तरफ से पेपर पोस्ट किए गए हैं, ये मॉडल पेपर है, इसी प्रकार से आप लोगों का जो है वो पेपर आएगा। कितने नंबर का है आपका यूनिट्स, कितने परसेंट का सिस्टम है, ये देख सकते हैं आप लोगों को पूरा डाटा जहाँ पर दिया गया है। थैंक्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और काफ़ी क्रिशियल अपडेट्स किसी न किसी स्टूडेंट्स के लिए हैं और इन फ्यूचर ऑल अपडेट्स के लिए बने रहें, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स को भी कवर करते हैं लगातार।